हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको तीसरी पजल, जो हमारा पजल का ये तीसरा वीडियो है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा यहाँ पर। और दो वीडियो मैं ऑलरेडी पजल पर अपलोड कर चुका हूँ। आपका IBPS RRB का प्रीलिम्स का जब भी एग्ज़ाम होगा, जब तक होगा तब तक मैं कोशिश यही करूँगा कि एटलीस्ट 50 पजल्स के वीडियोज़ मैं अपलोड कर दूँ, जिसमें कि बेसिक लेवल से लेके और एडवांस लेवल तक के हर तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपसे यही बोलूँगा कि मेरे सारे वीडियोस जो भी पजल्स पे बन रहे हैं, मैं इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूँगा, आप उसको ज़रूर फॉलो करते रहिए। और मैं बता भी रहा हूँ कि क्या आपकी राइट अप्रोच है, क्या आपकी रॉन्ग अप्रोच है। जो करेक्ट अप्रोच है, हमें उसी तरह से सारे पजल्स के क्वेश्चन सॉल्व करने, कभी भी गलत नहीं होगी आपकी पजल। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने। पहले तो मैं आपको बोलूँगा, 2 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको एक बार अपनी तरफ से, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको जो करेक्ट अप्रोच है, वैसे ही इसको एक बार अपनी तरफ से कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की। चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। अ ग्रुप ऑफ 7 फ्रेंड्स ABCDEFG वर्क एज इकोनॉमिस्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर। ये इनके प्रोफेशन दिए हुए हैं, 7 लोग हैं ABCDEFG, और ये अलग अलग बैंक्स में काम करते हैं, LMNPQRS। अब ये हमें कुछ हिंट्स और क्लूज दिए हैं, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है, सी वर्क्स फॉर बैंक एन एंड इज नाइदर अ रिसर्च एनालिस्ट नॉर अ क्लर्क। चलिए लिख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सी बैंक एन में काम करता है, रिसर्च एनालिस्ट और आपका क्लर्क नहीं है। ये आपका बैंक हो गए और ये आपका प्रोफेशन हो गए। नेक्स्ट पढ़िए, ई इज एन IT ऑफिसर वर्क्स फॉर बैंक आर। ई बैंक आर में काम करता है और आपका IT ऑफिसर है। ये कंफर्म आपको पता है, ये IT ऑफिसर। अब ये IT ऑफिसर है तो सीधी सी बात है, सी आपका IT ऑफिसर नहीं होगा। आगे आ जाइए, ए वर्क्स एज फॉरेक्स ऑफिसर, मतलब कि ए फॉरेक्स ऑफिसर है, डज नॉट वर्क फॉर बैंक एल और क्यू। बैंक एल और क्यू में काम नहीं करता है और क्या है आपका, फॉरेक्स ऑफिसर। अब आपको पता है ए फॉरेक्स ऑफिसर है तो सी हो सकता है क्या, सी भी नहीं होगा, क्रॉस कर दीजिए। आगे आ जाइए, द वन हु इज एन एग्रीकल्चर ऑफिसर वर्क्स फॉर बैंक एम। अब देखिए, जो बैंक एम में काम करता है वो एग्रीकल्चर ऑफिसर है। अब सीधी सी बात है, आपको पता है सी बैंक एन में काम करता है, पर जो एम में काम करता है वो है AO एग्रीकल्चर ऑफिसर। इसका मतलब सी जो है हमारा, ये भी एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाइए, द वन हु वर्क्स फॉर बैंक एल वर्क्स एज टर्मिनल ऑपरेटर। जो बैंक एल में काम करता है वो टर्मिनल ऑपरेटर है। इसका मतलब कि सी जो है हमारा, वो टर्मिनल ऑपरेटर भी नहीं होगा, क्योंकि सी बैंक एन में काम करता है। बोला गया जो बैंक एल में काम करता है वो टर्मिनल ऑपरेटर है, तो इसका मतलब ये टर्मिनल ऑपरेटर भी नहीं होगा। अब देखिए, टोटल 7 प्रोफेशन दिए हुए थे, यहाँ से आपके 6 प्रोफेशन चले गए। कौन सा प्रोफेशन आपके पास बच रहा है, अब बताइए आप देख के। अब हमारे पास बचता है सिर्फ इकोनॉमिस्ट, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर, इसकी जगह पूरा रफ कर देता हूँ, इसकी जगह पर लिख देता हूँ इकोनॉमिस्ट। अब ये आपको पता चल गया, ये हो गया हमारा इकोनॉमिस्ट, ठीक है जी, ये भी कन्फर्म हो गया। आगे आ जाइए, इसके आगे पढ़ते हैं। F6 पॉइंट है ये, F वर्क्स फॉर बैंक क्यू, F बैंक क्यू में काम करता है, ठीक है। आगे आ जाइए, G बैंक P में काम करता है, रिसर्च एनालिस्ट है, ये रिसर्च एनालिस्ट हो गया। अब देखिए, प्रोफेशन आपके सारे हो गए, कोई बचा है आपका, एक बच रहा है क्लर्क, वो आपका कहाँ पर आ जाएगा, F के आगे आ जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए आप क्लर्क, ठीक है। ये हो गया हमारे सारे प्रोफेशन हो गए, इकोनॉमिस्ट हो गया, IT हो गया, फॉरेक्स ऑफिसर हो गया, एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया, टर्मिनल ऑपरेटर हो गया, रिसर्च एनालिस्ट हो गया और क्लर्क हो गया। अब हमारे पास 2 लोग बच रहे हैं, कौन कौन से बच रहे हैं, टोटल 7 लोग दिए हैं, ABCDEFG, 7 लोग दिए हैं, बचे हमारे पास कौन कौन से, B और D बचे, बाकी सारे मैं यहाँ लिखा हुआ है, सारे लिखे हुए हैं यहाँ पर। अब देखिए, बोला गया है D आपका जो है वो आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं है, तो यहाँ पर जो M और AO लिखा हुआ है एग्रीकल्चर ऑफिसर, यहाँ पर D नहीं आएगा, क्योंकि बोला गया है D एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका D और यहाँ पर हो जाएगा आपका B। अब बैंक देख लीजिए एक बार, बैंक बच रहा कुछ, हाँ जी यहाँ पर A वाले में बच रहा, यहाँ पर हमें चेक करना है कौन सा बैंक आएगा, चलिए देख ले, एक सिर्फ बैंक बच रहा है वो है S, तो यहाँ पर हम किसको क्या लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा S। ये हो गई हमारी पूरी पजल कंप्लीट, बहुत आसान है पजल को सॉल्व करना, इसी अप्रोच से करेंगे, आप लोग भी जल्दी जल्दी करते जाएंगे।
जितनी भी टफ आएगी, एडवांस लेवल आएगी, चाहे वो फ्लोर बेस्ड पजल हो चाहे कैसी भी पजल हो, हम लोग सिर्फ इसी अप्रोच से करेंगे और फटाफट करते जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी मदद हो सके, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।